तो ये देखिए, विनेगर डालने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा दूध से बिल्कुल छेने अलग हो गए हैं। तो ये देखिए, फाइनली हमारा बिल्कुल पानी अलग और छेना अलग हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव के चैनल इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम दूध से पनीर बनाने की रेसिपी जानेंगे, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स हमने विनेगर का इस्तेमाल किया है। तो कुछ इस प्रकार के डब्बे आते हैं विनेगर का, तो उसके ढक्कन से हमने 4 ढक्कन विनेगर लिया है, जो कि 2 लीटर हमने दूध लिया है। 2 लीटर के लिए हमने ये 4 ढक्कन विनेगर का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो 2 से 2.5 ढक्कन में ये दूध से बिल्कुल पनीर अलग हो जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा लग जाती है। तो हमने 4 ढक्कन विनेगर और 4 ढक्कन पानी डाला है इसमें। तो पानी अब इसलिए मिलाएंगे क्योंकि मात्रा इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसे थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे दूध में, तो ये आसानी से फट जाएगा। आप नींबू से भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हमने ये 2 लीटर दूध लिया है भैंस का, तो इसे चूल्हे पर चढ़ा के इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे इसका जल ना पाए। तो ये देखिए, हमारा दूध में बॉयल आ गया है। तो पूरी बॉयल आने के बाद हम इसे थोड़ी थोड़ी करके 1-1, 2-2 चम्मच डालेंगे इसी प्रकार से, और इसे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, 2 चम्मच हमने डाला है बड़ी चम्मच से, तो हम इसमें और ऐड करेंगे। तो ये देखिए, आपको देखने से लग रहा होगा हल्का हल्का ये फट रहा है, तो ज़्यादा थोड़ी सी मात्रा डालने से ये आसानी से फट जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, 2 चम्मच में ये हल्का सा फटा है। और ये देखिए, फिर हमने 2 चम्मच डाला इसमें बड़ी चम्मच से, तो ये आप देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए पानी अलग और ये जो इसके छेने होते हैं वो अलग हो गए हैं। तो ये देखिए आप, बिल्कुल ये अलग हो गए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। ये बिल्कुल आसानी से पानी अलग होना चाहिए और छेना अलग। तो ये देखिए फाइनली हमारा कितना बढ़िया ये दूध फट के अलग हो गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने कुछ इस प्रकार की जाली वाले कटोरे लेंगे। ये तो आप चाहे तो कपड़े में भी डायरेक्ट इसे छान सकते हैं। तो उसके बाद हम एक बड़े वाले बर्तन लेंगे, तो उसमें हम इस प्रकार से इसे अच्छे से छांक लेंगे। तो ये देखिए, हमने अच्छे से इसे छांक लिया फाइनली। उसके बाद हम इसे उसी पानी में हम धो देंगे अच्छे से फ्रेश पानी से, ताकि इसका जो खट्टापन है वो निकल जाए। तो कुछ इस प्रकार के बर्तन आते हैं पनीर को प्रेस करने के लिए। तो ये बर्तन आसानी से 200 के आसपास में ऑनलाइन मिल जाता है, तो आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं इसे। तो कुछ इस प्रकार के बर्तन होते हैं, इसमें लगभग 700 ग्राम के आसपास पनीर आ जाता है। तो आप चाहे तो कपड़े में भी डायरेक्ट डाल के इसे प्रेस करके रख सकते हैं। तो हमने एक थाली लिया है इस प्रकार के स्टैंड, और उसके ऊपर से ये हम जालीदार कटोरे को रखेंगे। तो सारे छेने को हम इस प्रकार से फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे। तो इसे डालने के बाद हम इस प्रकार से ढक्कन से हम इसे प्रेस कर देंगे हाथों के सहारे, और इसके ऊपर हम एक अलग से ढक्कन डालेंगे, ताकि इस पर हम कोई पत्थर का टुकड़ा रखेंगे तो अच्छे से वो बैठ जाए। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो हमने पत्थर के टुकड़े रखे हैं। तो ये देखिए, ये लगभग 4 से 5 घंटे हमने रखने के बाद कुछ इस प्रकार से ये निकला है, और थोड़ी बहुत जो पानी थी वो अच्छे से निकल गई है यहाँ पे। तो हम इसे इस प्रकार से इसे निकालेंगे। और इस बर्तन में पनीर निकालने से बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाता है पनीर को प्रेस करने में। देखिए कितना बढ़िया टाइट हुआ है। आप चाहे तो इसे निकालने के बाद 2 से 3 घंटे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो हम इसे पलटेंगे, तो ये देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। ये बहुत ही आसान ये बर्तन होता है ये। तो आप भी इस प्रकार के बर्तन आप अपने घर में मंगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितना बढ़िया ये बना है पनीर हमारा। तो अब हम इसे सिर्फ कटिंग कर देंगे। आप शेप अपने हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा शेप रखना हो। तो हम इसे देखिए कट लगाएंगे।
तो हम पहले चारों किनारों को हम अच्छे से काट लेंगे और बीच वाले हिस्से को अपना जैसा से चाहे तो दे सकते हैं। तो है ना, बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाएगा फ्रेंड्स, दूध से पनीर। आप चाहे तो इसे नींबू से भी फाड़ सकते हैं सेम यही प्रोसेस में। तो कैसी लगी ये मेथड पनीर बनाने की फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।